हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ श्री कार्तिक जोशी और आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या है? इट इज फॉर कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो ये क्लॉज, ये सेक्शन 54 कब अप्लाई होता है? इट शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, शुड बी अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये क्लॉज अप्लाई होता है, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचएफ ओनली। और जो कैपिटल गेन इसके अंदर डिराइव होगा, इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे बढ़ते हैं। What it says, conditions for availing the exemption from the capital gain tax. तो conditions क्या है? तो house to be purchased within 1 year before the date of transfer, house to be purchased within 2 years after the date of transfer. अगर आपने कोई property बेची है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको नया property में invest करना है। Alternative of 1 year to दोनों follow नहीं करते हो तो house can be constructed within 3 years from the date of transfer. अगर आपने कोई property और residential house बेचा है तो उसको within 3 years आप नई property construct करके आप capital gain का benefit उठा सकते हो। पर ये तो कॉमन चीज है जो सब जानते हैं और इसको कहीं ना कहीं हम सब लोग फॉलो करते हैं, पर इसके अंदर सेक्शन 54 के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हमने समझी नहीं या हमने लॉ को अनदेखा कर दिया। आज हम उन 4 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इन्वेस्टमेंट वर्सेज ओनरशिप, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो कंडीशंस फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन, व्हाट इट सेज, हाउस टू बी परचेज विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर और विद इन 3 ईयर्स। कहीं भी इस कंडीशन के अंदर ये मेंशन नहीं किया गया कि ये हाउस आपको अपने ओनरशिप या खुद के नाम से परचेस करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि आज मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो मुझे नई प्रॉपर्टी जो लेनी हो मेरे नाम पे ही लेनी है। ना, ऐसा नहीं है। कहीं भी क्लॉज के अंदर ये मेंशन नहीं किया गया कि ये प्रॉपर्टी जो आपको लेनी है वो आपके ही नाम पे होनी चाहिए। हाँ, पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप ये प्रॉपर्टी किसी भी नाम पे ले लो और अपने टैक्स से बच सकते हो। ना, ये क्लॉज कहता है, अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से देखो और अगर ये केस लॉ को देखो, मैंने ये पूरा वीडियो आज का केस लॉ बेस बनाया है जो एसएससी के फेवर्स में आया हुआ है। तो अगर आप इस केस लॉ को देखोगे ना तो ये केस लॉ के अंदर बहुत ही क्लियर है कि ये एक एसएससी ने प्रॉपर्टी बेची और नई प्रॉपर्टी उसने अपने डिपेंडेंट मेंबर के लिए ली। डिपेंडेंट मेंबर कैन बी कवर्ड एज अ पेरेंट्स और एज अ स्पाउस। आप अपने डिपेंडेंट स्पाउस के लिए ले लो या डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए जिसकी अर्निंग कुछ नहीं हो या तो अर्निंग ना के बराबर हो, उसके नाम से आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आप सेक्शन 54 को कंप्लाई कर पाओगे और इसके अंदर आपको कोई भी लिटिगेशन या कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं आएगा। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेगा, ओनरशिप जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट दैट टू विद इन अ क्राइटेरिया, दैट इज अ 1 ईयर और 2 ईयर और विद इन 3 ईयर्स। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से। दैट कैन बी आइदर योर डिपेंडेंट स्पाउस और डिपेंडेंट फैमिली और डिपेंडेंट पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट फर्दर सेज, एक्विजिशन इन इंडिया और एक्विजिशन आउटसाइड इंडिया। अगर हम ये कंडीशंस को देखें, व्हाट दिस कंडीशंस इज, इन्वेस्टमेंट हमको 1 ईयर के विदिन करना है, इन्वेस्टमेंट 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर करना है। पर कहीं भी ऐसा लिखा है कि ये इन्वेस्टमेंट हमें इंडिया में करना है? नहीं लिखा। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंडिया के बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पॉसिबल था, कब तक पॉसिबल था देखते हैं। ये पॉसिबल था 1/4/2015 तक। 1/4/2015 के पहले ये क्लॉज नहीं था कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट जरूरी था, नॉट इन कंपल्सरी इन इंडिया। और आज के टाइम भी ये रूल तो आज भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे होना चाहिए। तो अगर हम आप ये केस लॉ स्टडी करोगे तो ये केस लॉ के अंदर बहुत ही क्लियर था कि ये मिस्टर एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी इंडिया में बेची और उन्होंने नई प्रॉपर्टी ली आउट ऑफ इंडिया जाके। जब केस स्क्रूटिनी आया, केस खुला, पूरा जब एनालिसिस हुआ, तब जब लॉ को अच्छे से स्टडी किया गया तब उसके अंदर पता चला कि उसके अंदर ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं था कि ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना चाहिए। तब जाके गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हुआ कि ये लूप होल है और गवर्नमेंट ने वाइट इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2015 ये कंपलसरी किया कि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इंडिया में ही होगा। तो अगर आज के बाद अगर फ्यूचर में कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो प्रॉपर्टी बेचकर, तो ये ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट आपका इंडिया में ही होना चाहिए। अगर 1/4/2015 के पहले था तो बात और है, अब बच गए। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, अभी ये भी बहुत ही पेचीदा कंफ्यूजन और क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन है, सर मैं एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूं पर मुझे सामने 2 प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे क्या कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा? बड़ी अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये भी आता है, सर मैं 2 प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूं तो सामने मुझे 2 प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा? जबकि आप अगर कंडीशंस देखो, कंडीशंस कहती है कि आपको रेसिडेंशियल हाउस परचेस करना है और वो भी 1 रेसिडेंशियल हाउस। अगर इस कंडीशंस में देखोगे ना तो यहाँ पूरे कंडीशंस को, आप अगर लॉ को भी पूरा डिटेल स्टडी करोगे तो वो भी यही कहता है कि यू शुड इन्वेस्ट इन 1 रेसिडेंशियल हाउस।
पर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? एग्जांपल से समझता है, इफ यू आर सेलिंग मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस एंड परचेजिंग वन रेसिडेंशियल हाउस, कोई इशू नहीं है, आपने एक घर खरीदा, आपने एक घर बेच लिया, आपने एक घर खरीद लिया, आपको कैपिटल गेन नहीं लगना है, बहुत क्लियर है। पर से फॉर एग्जांपल आपने मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस भी बेच दिया और मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया, गवर्नमेंट ने यह प्रावधान भी बहुत इजी कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। उन्होंने क्या किया कि इफ द कैपिटल गेन इज लेस देन 2 करोड़ रुपीज, अगर आप 2 करोड़ से नीचे आपका कैपिटल गेन आ रहा है तो आप मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस में आप इन्वेस्ट करोगे, आपको कोई कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा और आप सेक्शन 54 को भी कंप्लाई कर लोगे। पर वो केस में क्या, जहां आपका कैपिटल गेन ही 2 करोड़ से ज्यादा आया, उस केस के अंदर आप क्या करोगे? उस केस में तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप उस केस के अंदर आप अगर दो घर के अंदर इन्वेस्ट करोगे, दो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपको कैपिटल गेन लग जाएगा और दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी है वो आप उसके अंदर इनकम कैपिटल गेन का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाओगे। पर ऐसा नहीं है, उसको भी आप क्लेम कर सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है, आप अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर आ रहा है और अगर आप दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो और अगर आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट भी लेना है, तो व्हाट यू शुड डू, ट्राई करो वो हाउस ऐसे परचेस करो कि जिसकी एमिनिटीज आप कॉमन कर सको। से फॉर एग्जाम्पल आप दो हाउस एडजॉइनिंग ले लो, एडजॉइनिंग होने की वजह से उसमें से बीच में से दीवार हटा के अगर आपने भले दरवाजे दो हो, पर अगर आपका घर अंदर से एक है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ये मेरी एक ही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और इनकम टैक्स क्लॉज के अंदर सेक्शन 54 के अंदर इसका प्रोविजन है और आप इसको बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपने एक के ऊपर दूसरा घर खरीद लिया, तो उस केस के अंदर आप बीच में से स्टेयरकेस कर दिए तो आपका वो वन रेसिडेंशियल यूनिट कवर हो जाएगा और आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर का कैपिटल गेन आ रहा है और अगर आप एक से ज्यादा अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ट्राई टू गेट द हाउस और गेट द प्रॉपर्टी इन सच अ वे वेर यू कैन जस्टिफाई योरसेल्फ कि ये प्रॉपर्टी आपकी एक ही है ना के दो है, भले बाहर से दरवाजे दो है, दैट डजंट मैटर। अगर आपका फ्लैट ए और फ्लैट बी है तब भी मैटर नहीं करता, अगर आपने बीच में से दीवार हटा दी है या उसकी एमिनिटीज कॉमन कर दी, किचन कॉमन कर दी, देन यू कैन जस्टिफाई कि ये एक ही प्रॉपर्टी है और इसका इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस ये पॉइंट को आपको और डिटेल में भी समझना है ना, तो आप ये दो केस लॉ रिफर कर सकते हो। हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका केस है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बेंगलोर और हाईकोर्ट बॉम्बे का केस है जो कि 2014 का है। ये दोनों केस लॉ के अंदर से ये ब्रीफिंग आई हुई है कि आप अगर मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस के अंदर भी इन्वेस्ट करोगे तब भी आप उसका क्लेम बेनिफिट ले सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन यू कैन जस्टिफाई। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट टाइम। अभी अगर आप ये देखोगे सेक्शन 54 किसे अप्लाई होता है, सेक्शन 54 अप्लाई होता है इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को, और इंडिविजुअल्स और एचयूएफ की डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग है 31 जुलाई। तो से फॉर एग्जांपल आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर ली और आपने 31 जुलाई तक आप अपनी प्रॉपर्टी में नई रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट नहीं कर पाए या तो उसको कैपिटल गेन में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आप आइदर ऑफ द वे में दोनों जगह से रह गए और पैसा आपका ब्लैंक का ब्लैंक था और आपका रिटर्न फाइलिंग का टाइम नजदीक आ गया है, तो क्या किया जाए? ये केस के अंदर आप पेनल्टी या टैक्सेशन भरोगे? उसका बचने का रास्ता ये है, व्हाट यू डू, आपका ड्यू डेट क्या है 31 जुलाई, फाइल द रिटर्न विद द रेगुलर इनकम, आपकी जो रेगुलर इनकम सोर्स ऑफ इनकम है उसे आप रिटर्न फाइल कर दो और आप अपना कंप्लायंस 31 जुलाई का फुलफिल कर दो। फिर आपके पास क्या हुआ, आपने अपना रिटर्न फाइल तो कर दिया, अभी आपके पास टाइम बच रहा है, कौन सा टाइम बच रहा है, रिवाइज करने का रिटर्न। तो ट्राई करो आप जल्द से जल्द आपकी प्रॉपर्टी न्यू रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करने का या तो फिर उसको कैपिटल गेन बॉन्ड स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का था, और ये करके बाद आप तुरंत ही अपना रिटर्न रिवाइज कर दो। पर ये जरूर ध्यान रखने का आपका रिटर्न प्रोसेस ना हो, अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया तो आप ये लूपहोल से नहीं बच पाओगे। अभी ये लूपहोल है, या तो इसको गवर्नमेंट का एक प्लस पॉइंट कह दो जो हमारे लिए ओपन रखा हुआ है कि आपने ड्यू डेट पे अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो आप उसका रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, और रिटर्न रिवाइज के बाद रिटर्न रिवाइज करने के टाइम के अंदर आपकी जो इनकम रह गई है, जो डिडक्शंस, जो क्लेम्स करना रह गए हैं, आप वहां फुलफिल करके आप सेक्शन 54 को भी कंप्लायंस कर सकते हो। तो ऑलवेज ये ध्यान रखो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा ऑन द टाइम, तो ट्राई टू कंप्लाई द रिटर्न फॉर्मेलिटीज बाय द ड्यू डेट एंड देन ट्राई टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल एंड ट्राई टू फाइल द रिवाइज रिटर्न, तो आप इस कंप्लायंस से फ्री हो जाओगे और आपको लिटिगेशंस और नॉन कंप्लायंस में नहीं फंसोगे। आज का हमारा वीडियो ये बेसिकली ये 3-4 पॉइंट्स कवर कर रहा था जो आपको कहीं ना कहीं या तो लोग समझ नहीं रहे या इसको अनदेखा कर रहे, तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो को आप लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करो जो ये लॉ को समझ नहीं पाए या सेक्शन से अब नहीं समझ रहे, सेक्शन से थोड़े कंफ्यूज है,
ताकि इसका बेनिफिट उठा सके और लिटिगेशन और अनकंप्लायंस बच सके। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि वीकली अपडेट्स मिलते रहे। और थैंक यू।